वेलकम टू बुनेर। और स्वाद का नाम सुनते ही हमारे जहन में सैर व तफरीह के ख्यालात आ जाते हैं। चूंकि हम सौवी से बुनेर दाखिल हुए तो बुनेर दाखिल होते ही खूबसूरती शुरू हो जाती है, चाहे आपने बुनेर के किसी भी मकाम जाना हो। हमारा जर्नी शुरू हुआ था सवाबी से। हम आते आते हमारे रास्ते में आ गया था तुतालई, आ गया गोरोश्तो आ गया, और उसके बाद चिंगलई भी हमने क्रॉस किया। चिंगलई का जो पहाड़ था काफ़ी ज़्यादा सख्त था। हमने अभी तक तकरीबन हाफ एन आवर हमने ट्रेवल कर दिया और हम इस पहाड़ के तकरीबन नॉर्दर्न साइड आ गए। यहाँ पर ये नज़ारे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने दोस्तों को बोला क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी ले जाए। जैसे जैसे हम चिंगले के मेन पहाड़, जिसको पश्तो में चिंगले आहे कहते हैं, से आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में कोगा कैंप, कैंप के बाद कांकवई और बाद में नावागई आ गया। ये बुनेर के छोटे छोटे गांव हैं, जिसकी भी खूबसूरती एक दूसरे से बढ़ चढ़ है। मजीद जाते ही एक गांव की खूबसूरती देखकर हमसे रहा नहीं और हम रुक गए। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। जैसे हमने आपको बताया, ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हमारा प्लान नहीं था कि हम रास्ते में इतना रुकेंगे, लेकिन इस जगह की खूबसूरती को देखकर हम बिल्कुल शौक रह गए कि यहां पर अभी इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल वेडोज़ है, बिल्कुल ग्रीनरी है, और साथ में यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज भी है। मैं उस पर भी चलता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हम सिर्फ ये सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पर महाबन, महाबन बेहतरीन जगह होगी या वहाँ पर खूबसूरती होगी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रास्ते में इतनी बेहतरीन जगह आएंगी और इतनी बेहतरीन वीडियोज़ होंगी, सस्पेंशन ब्रिज भी होंगी और पानी की चश्मे भी होंगे। हमने सिर्फ सुना था कि महाबन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन हमारे रास्ते में आने वाला हर खूबसूरत मकाम हमारे लिए सरप्राइज था। वैसे इस गांव की सरप्राइज एक अलग लेवल का था, जिसके लिए हमने सिर्फ रुकना नहीं बल्कि इस खूबसूरत मकाम का पूरा पूरा हक भी अदा करना था, जिसमें वेडोज के दरमियान साफ और शफाफ पानी का बहना किसी जन्नत से कम नहीं। हमारे बिल्कुल करीब इसी तरह अनएक्सप्लोर मकामात यकीन हमारी गफलत है। हम बिल्कुल शौक रह गए थे कि इसी तरह मकामात होने के बावजूद भी हमें पता तक नहीं था। इस गांव को लोकल जुबान में मरखराना कहते हैं। अगर इस जगह को मैं बुनेर का स्विट्जरलैंड बोलूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। यहाँ के विडोज, यहाँ के खूबसूरत पहाड़, यहाँ के चश्मे, यहाँ के दिलकश खूबसूरत मनाजिर। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते ही हमारे साथ रहिए। हमारे बाइक में थोड़ा सा मसला आ गया तो हम यहाँ पर रुक गए। तो रुकते ही हमने इस पानी को देखा तो हम करीब आ गए। रास्ते में दो बच्चों ने हेल्प मांगा कि हमें आने वाले बाजार नगरी तक साथ ले चलो, तो हमारे दोस्त फारूक ने इस खिदमत की सआदत हासिल की। वैसे इसी खिदमत से हमें एक वाजह पॉजिटिव मैसेज मिल गया कि यहाँ कितना अमन और सेफ्टी है, कि रास्ते में कोई भी किसी से हेल्प मांग सकता है।
जब सियाहत की बात आ जाए तो मरी, स्वात, कालाम, कुमराट और हंजा वैली सर फहरिस्त है, लेकिन यही इलाके एक्सप्लोर ना होने की वजह से नज़रअंदाज है। आप ये बात जहन से निकाल दें कि हम सिर्फ महाबन की खूबसूरती इंजॉय करेंगे, बल्कि रास्ता और रास्ते में आने वाले गांव और अगर यहाँ लोकल लोगों से मुलाकात हुई तो यहाँ के लोग बेहद मुखलिस, मेहमान नवाज और आला अखलाक के मालिकान हैं। जितना मेमोरीज आप इसी रास्ते में बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप और कहीं टूरिस्ट स्पॉट जाते ही नहीं बना पाएंगे। अभी मेन और अहम मौजू पर बात करते हैं। मलका तक रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मलका से महाबन का रुख करेंगे तो रोड दुश्वार हो जाता है। अगर आप कच्चे और खराब रोड के ड्राइविंग से वाकिफ नहीं है तो यकीनन आप ऊपर इस रोड पर चढ़ते हुए नज़ारे तो एंजॉय करेंगे, लेकिन कच्चे रोड पर चढ़ना भी आपके लिए काफी दुश्वार होगा। इसी रोड को मलका महाबन और फिर आगे उतला रोड तक बनाने में यहाँ के मलका बाचा, इसका पूरा नाम सैयद खुर्शीद शाह बाचा, और उसके बेटे असद बाचा की दिन रात मेहनत जारी है। अक्सर औकात इसी तरह खराब रोड आते ही हम सोचते हैं कि इसी खराब रोड को जल्द अज जल्द क्रॉस करना है, जो कि ऊपर चलते ही हमारी मूड ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने मेन और अहम पॉइंट से लुत्फ नहीं उठा पाते। मेरे ख्याल से खराब रोड पर जगह जगह रुकना चाहिए, कुछ मेमोरीज भी बनाए जाए और रेस्ट भी की जाए। एक मकाम तो ऐसा भी आ गया कि रोड इतना खराब था कि एक बंदे को बाइक से उतरना पड़ा। हम जाते ही रास्ते में रुक गए, हालांकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी बात कि बारिश भी हुई है तो इस रास्ते से जो मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह थी तो वो सारी निकल गई यहाँ से। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए तो साथ साथ खूबसूरत भी बढ़ती गई। हम तकरीबन बिल्कुल महाबन से कुछ मिनट के फासले पर है और यहाँ पर जो खूबसूरती है वो बिल्कुल लाजवाब है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन को, ये है महाबन। महा का मतलब है बड़ा और बन का मतलब है जंगल, मतलब एक बड़ा जंगल। ये मकाम तकरीबन 6000 फीट बुलंदी पर वाकिया है और मेरे ख्याल से ये जिला बुनेर का नेक्स्ट टूरिस्ट हॉट स्पॉट बनने वाला है। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। इसी महाबन को प्रमोट करने वाले बंदे का नाम सैयद खुर्शीद शाह बाचा है, जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया। इसी मकाम से 3 डिवीजन की सरहदी मिलती है, जिसमें मलकन डिवीजन, हजारा डिवीजन और मर्दान डिवीजन शामिल है, जबकि मलका महाबन तहसील मंदण जिला बुनेर में आता है। खुर्शीद शाह बाचा की शब व रोज, थक व दो और बड़ी कुर्बानी, खानदान की 35 कनाल जमीन गिफ्ट करने पर हैबर पख्तूनख्वा ने खूबसूरत इलाका मलका महाबन में सयाहों के लिए कैंपिंग पॉट्स की तंसीब का अमल मुकम्मल किया, जो कि सूबाई दरहकूमत पेशावर से 144 और वफाकी दरहकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 170 किलोमीटर के फासले पर ये खूबसूरत इलाका वाकिया है। यहाँ कुदरत ने अपनी पूरी फयाजी से सरसब्ज शादाब मैदान और दिलकश ग्रीन जंगलात के साथ साथ मीठा पानी के कुदरती चश्मे और मेहमान नवाज लोग पैदा किए हैं। अगर आप ऐसी फितरत के खावंद हैं जो आपको शोर शराबा और हुजूम पसंद नहीं है, आप खामोशी, कुदरती नज़ारे और पुरसकून माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। हम अपने टीम में 5 बंदे आए थे और 2 बंदे यहाँ के स्टाफ मेंबर थे। हम कुल 7 बंदे थे, जो हमारे अलावा और कोई नहीं था। यह है मेरे सामने कैंपिंग पॉड्स, जिसको एक बेहतरीन डिजाइन में लकड़ी से बनाया गया है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैंपिंग पॉड क्लोज है गवर्नमेंट ऑफ केपी की तरफ से, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आप यहाँ आकर खुर्शीद शाह बाचा के डेरे पर भी रुक सकते हैं और वो आपको इसी कैंपिंग पॉड की एक्सेस देकर आप इसी में भी रह सकते हैं। वक़्त कम होने की वजह से हम खाना नीचे तैयार कर लाए थे,
जिसको हमने नेचुरल ब्यूटी और पुरसकून माहौल में खूब इंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम नीचे रवाना हो गए। यहाँ का स्टाफ मेंबर हमारा बतौर रहनुमा हमारी रहनुमाई कर रहा था। ये बता रहा था कि नीचे चश्मा है, कुछ घर भी है और हाइकिंग के लिए रास्ते भी है और मजीद आगे जाकर गन्ने जंगलात भी है। हम जाएंगे और जहाँ तक हमारा स्टेमिना खत्म हो जाए वहाँ से इंशाल्लाह वापसी करेंगे। यहाँ कुछ कुदरती चश्मों से पानी भी पी लिया। और उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों से उनकी जिंदगी और जरिए माश पर बातचीत भी हुई। तकरीबन सपहर तक हमने खूब इंजॉय करके फिर वापसी की। वापसी पे हमने नया रास्ता चुन लिया। रास्ता ख़राब होने की वजह से हम जगह जगह रुकते, लोकल लोगों से गपशप मारते और फिर रास्ता तय करने में मशगूल हो जाते। आगे का रास्ता बेहद ख़राब था जिस पर हमने काफ़ी वक्त भी ख़राब किया और अफसोस भी किया कि पहला मलका साइड वाला रास्ता क्यों अख्तियार नहीं किया। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।